केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को आप सुन रहे थे। अब हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जुड़ गए हैं। केशव जी, बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका, और बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, जैसे आपने भी गमछा पहनकर एक संदेश देने की कोशिश की है पीएम की तरह। निश्चित तौर पे मेरे ही नहीं, मेरे देशवासियों के ही नहीं, पूरे दुनिया के आदर्श हैं, और वह कोई रास्ता दिखाते हैं तो मैं मानता हूं कि वो रास्ता सदैव बहुत ही आगे बढ़ाने वाला, बहुत सुरक्षित रखने वाला रहता है। और जो अभी लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रहा, जिसके हिसाब से देश की जनता और उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता ने कार्य किया है, उसी का परिणाम है कि जिस संक्रमण को अमेरिका और इटली, स्पेन और फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश कंट्रोल नहीं कर सके, उससे अच्छा नियंत्रण, हमारे यहाँ सुविधाएं इन देशों की तुलना में कम थी, फिर भी हमने उससे अच्छा नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की। सर, एक तो उत्तर प्रदेश का अपडेट दे दीजिए सर कि अभी क्या स्थिति है कोरोना को लेकर वहां पर, और दूसरा ये कि 19 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में रहेगा या कुछ जगहों पर आप ढील देंगे? नहीं, अभी देखिए, हम तो अक्सरशः देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन के अनुसार चल रहे हैं, और उसी रास्ते पर चलने के कारण अब तक हम सफल भी रहे हैं, और आगे भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो गाइडलाइन दी जाएगी, जो संबोधन किया गया, उसका पालन करेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। जो उन्होंने साफ अपील किया है उसको हम लोग ध्यान में रखने के लिए लोगों से आग्रह करेंगे, और जो गाइडलाइन के अनुसार छूट दी जाएगी उस छूट के हिसाब से भी काम करेंगे। अभी तक जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कुल 525 केस आए थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से जो मरकज का आयोजन किया गया था उसमें तबलीगी जमात के लोगों में 550 में से 307 की संख्या अकेले तबलीगी जमात के लोग उसका मतलब पॉजिटिव पाए गए हैं, और यहाँ जहां कहीं पर भी छिपे हैं। मैं इंडिया टीवी के माध्यम से अपने प्रदेश और देश के जहां पर भी जो लोग सुन रहे हैं उनसे अपील करता हूं, कहीं पर भी ये छिपे हैं तो या ध्यान रखें, या न तो जाति देखेगी, ना धर्म देखेगी, ना पार्टी देखेगा, ये कोरोना संक्रमण का संकट किसी को भी चपेट में ले सकता है। इसलिए स्थानीय पुलिस प्रशासन को, सरकार को जानकारी दें और ऐसे लोगों को निकाल बाहर करना चाहिए, और उनको जहां जैसी जरूरत होगी, इलाज की जरूरत होगी तो हॉस्पिटल ले जाएंगे, क्वारंटीन करने की जरूरत होगी क्वारंटीन करने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश में जहां कहीं पर भी इस प्रकार के शरारती तत्वों ने पुलिस पर, प्रशासन पर अथवा हमारे चिकित्सक दल पर हमला किया है, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई। केशव जी, कोई अंदाजा है सरकार को कि तबलीगी जमात से कितने जुड़े हुए ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी उत्तर प्रदेश में जानकारी नहीं दी है? कितने लोग हैं जिनके बारे में नहीं पता है? देखिए, हमारे पास जो सूचना है उसमें लगभग जानकारी हमारे यहाँ सभी आ गए, पकड़ में जो नहीं आ पाए हैं उनको भी पकड़ने का निरंतर प्रयास चल रहा है। कुछ उत्तर प्रदेश छोड़ करके किसी प्रकार से यहाँ से भागे भी हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ वो छिप नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे। कितनों को पकड़ना है सर अभी? वो छिपने और बचने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने को सार्वजनिक करने का काम करें, जिससे उनका इलाज हो जाए, जिससे उनके संपर्क में आने वाला दूसरा कोई व्यक्ति संक्रमित ना हो और वह कोरोना संक्रमण के संकट के जाल में ना फंसे। कितनों को पकड़ना है सर अभी? उसका भी डेटा है क्या, कितने लोग? नहीं, डेटा सभी है उसका, मैं डिटेल आपको देता हूँ। जो हमारे यहाँ शुरू में जो आए थे, मैं आपको बता देता हूँ इसका डेटा, मैं बता देता हूँ आपको। जो हमारे यहाँ नंबर आए हैं उन नंबर के हिसाब से हम आपको सूचना देते हैं, ठीक है? बाकी उत्तर प्रदेश। अच्छा सर, इस बीच ये भी बता दीजिए, कल आगरा में अचानक से केसेस बढ़ गए, वो क्यों हुआ सर? देखिए, आगरा के अंदर जो केसेज, ये जैसे 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 पहले हम हॉट स्पॉट एरिया तय किए थे, जो हॉट स्पॉट एरिया हम लोगों ने तय किया था उसमें इसको भी अब शामिल करने का काम किया गया है, क्योंकि आगरा के अंदर बड़ी संख्या में फ्लीकियों का भी एक कारण रहा है, और दूसरा ताजमहल वहां पर होने के कारण से बड़ी संख्या में पर्यटक बाहर से आते रहे, ये कारण हो सकता है, लेकिन उसकी जांच की जा रही है और उसको हम नियंत्रित कर लेंगे, ठीक? और कल के बाद वहां बढ़ोतरी नहीं होगी। सर, एक चीज और बता दीजिए, यूपी में अभी एक दिन में आप लोग कितने टेस्ट लगभग कर रहे हैं, और यूपी में स्थिति कब तक कंट्रोल में आने की उम्मीद है? देखिए, यूपी में हम लोग इस समय जो
टेस्टिंग की व्यवस्था हमारे यहां है। इस समय लगभग हमारे पास जो सूचना है 11,821 हमारे जो टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे उसमें से अब 2,421 निगेटिव होने के बाद कुल 11,821 ऐसे टेस्टिंग के लिए भेजे गए जिसमें से हमारे यहाँ की स्थिति काफी नियंत्रण में है। पूरा मैं डेटा आपको ये थोड़ा बड़ा विस्तार से है मैं आपको ठीक है सर मैं एक काम करूंगा ये जानकारियां आपसे ले लूंगा ताकि दर्शकों को हम बाद में भी दिखा सके और बता सके उनके उनके उनसे संबंधित जो जानकारी है। अभी फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया केशव।